राज्य सरकार की ओर से कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते गरीब बेसहारा जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए जिला आपदा प्रबंध संस्था का गठन किया गया। मुरादाबाद में एडीएम फाइनेंस प्रीति जायसवाल को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने महानगर चार रसोई का गठन किया है, जिसमें रोजाना हजारों लोगों को खाना बनाया जा रहा है। जिला बेसिक विभाग, कलेक्टर, कर्मचारी, सामाजिक संस्था आदि के लोगों तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करते हुए सीओ कटघर में अंतर्गत ईदगाह के चौराहे थाना गलशहीद तक फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें रैफ के अलावा पुलिस विभाग मौजूद रहे। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं हमारे टीडीआई सिटी में, उनके थ्रू ये खाना बंटता है। सुबह शाम सुबह मॉर्निंग में 12 बजे आते हैं और इवनिंग में 8 बजे आते हैं, उनके थ्रू खाना बंट रहा है। कितने लोगों को रोज खाना चाहिए? समथिंग लोग आते हैं 100-125 आदमी हो जाते हैं, मगर एक एक बंदा समथिंग 5-5 जनों को खाना लेके जाता है, सबको पूरा हो जाता है। ये कितना दिन हो चुके हैं आपको? 23 तारीख से अभी तक कंटिन्यू बंट रहा है। आगे भी सिलसिला चलता रहेगा? जब तक चलेगा, जब तक वो भेजेंगे हम बंटवाते रहेंगे। आप कुछ जनता से कहना चाहेंगे? जनता से क्या, बस जनता जो परेशान हो रही है आए और अपना खाना लेके जाए, और क्या कहना है। सोशल डिस्टेंसिंग बना रखे हैं, घर से ना निकले, दूर रहें, 2-2 मीटर का फासला बनाएं, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। घर में रहें, सुरक्षित रहें।